अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी प्यारी लीजा रिएक्ट्स की फैमिली सभी मेंबर्स बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही क्या बताऊँ, बहुत अजीब वीडियो है। मैं खुद भी बहुत शॉक्ड थी जब मैंने इसका एक वायरल कॉन्टेंट देखा इंस्टाग्राम पर, और उस वीडियो के अंदर ये जो बंदा था इसने खुद को कब्र में दफन कर लिया फॉर अ 24 आवर चैलेंज के लिए। एंड यू विल बी शॉक्ड आफ्टर नोइंग कि उसके बाद इस इंसान का क्या हश्र हो। मतलब इतना डिफिकल्ट, इतनी कोई चैलेंजिंग चीज़ कैसे कर सकता है? इट्स लाइक कि आप सामने से डेथ को बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ आ बैल मुझे मार। सो दिस इज़ वेरी क्रीपी, वेरी डिस्टर्बिंग कि आप इस तरीके का कंटेंट डालते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर। लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और इस वीडियो से मैं आप सबको एक चीज़ और बताती हूँ कि काफ़ी कुछ सीख भी लेनी है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इतना नहीं है कि आपको बस देख करके छोड़ देना है। इस इंसान की जो बेवकूफ़ी है, इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और जानिएगा कि कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी लोगों में आ गई है। किसी भी चीज़ को चैलेंज करना उन्हें लगता है कि मजाक है, और आजकल प्रैंक के नाम पे लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं। सो प्रैंक के नाम पे ऐसा प्रैंक मत करिए कि क्या पता नेचर आपके साथ कोई प्रैंक कर ले। सो ये वीडियो किसी, हाँ, निकू ब्लॉग्स नाम है एक चैनल का, उस चैनल की वीडियो है। और बहुत ही क्या बताऊँ, वीडियो तो मुझे पता है कि बहुत ही, मतलब बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग वीडियो है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी से भरी वीडियो है। बट इस वीडियो को देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसी बेवकूफ़ी इन फ्यूचर कोई दूसरा ना करे और दूसरे को ना भुगतना पड़े। आइए हम मिलकर के इस वीडियो को देखते हैं और फिर रिएक्शन भी देते हैं साथ साथ, जानते हैं कि क्या है इस वीडियो के अंदर, और बाकी की बातें तो हम हमेशा की तरह बाद में ही करेंगे, ठीक है? जो भी करना भाई सेफली करना, तो गाइस सारी चीजें भाई सेफली करेंगे, गाइस कैसा एक्सपीरियंस रहेगा ये देख लो गाइस। अभी ना भाई एक भी नहीं बजे, यहाँ पे होगा भाई बरीड अलाइव चैलेंज, इसके अंदर गड़ेंगे भाई 24 घंटे के लिए। भाई साहब गाइस पहले से भाई सब कुछ तैयार है, ये देख लो गाइस पूरा गद्दा वद्दा बिछा रखा है, पूरे लग्जरी ठाट मिलेंगे भाई। अभी ये देखते भाई इसके अंदर भाई क्या क्या सुविधा मिलेगी हमें। ओ भाई साहब ये देख लो भाई यहाँ पर भाई पूरा जुगाड़ है। ओ भाई पंखा भी लगा रखा है, वो स्विच भी लगा रखा है भाई साहब, कैमरा भी है, लाइट भी है भाई, ये क्या है भाई, यहाँ से हवा आ रही है भाई साहब। मतलब ये देख लो गाइस हवा का जुगाड़ भी है गाइस, यहाँ पर भाई सब कुछ है, डर लग रहा है। मजा आएगा ना। तो गाइस अभी फाइनली भाई बरीड अलाइव फॉर 24 आवर चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्साइटमेंट गाइस अलग ही लेवल की हो रही है, एक्साइटमेंट से ज्यादा तो घबराहट होने लगी है। गाइस अभी भाई 24 घंटे के बाद ही बाहर आएंगे, देखते हैं गाइस कैसा रहता है एक्सपीरियंस। कवर है, मजाक हो रही है गाइस, पूरी सेफ्टी के साथ मन की अमृता से चले गए, ओकी टोकी वगैरह कैमरा लगा रखा अंदर, सारी चीजों की सर्वेलेंस रहेगी, तो पूरा सेफ तरीके से कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है ना तो गाइस जब ही निकाल लेंगे, है ना। कस्सी वस्सी गाइस सारी चीज तैयार है, तो गाइस फाइनली नीचे जा रहे हैं, चलो बाय। तो गाइस बाय बाय, ठीक है बाय। बस एक चीज का डर है, नेटवर्क ना चले जाए भाई फोन के। ओ भाई नेटवर्क चलेगा तो मैं YouTube कैसे चलाऊंगा, खबर नहीं है। थोड़ा बात तो सही है गाइस, अभी भाई बंद किया है, इसके ऊपर भाई मिट्टी भी डालेंगे। अरे देवा गड्ढा बिल्कुल ऊपर से डल गया है, पानी चलेगा खाना चलेगा, यहाँ से उनको ये बंदा कैसे मिट्टी डाल रहा है भाई ऊपर से। गाइस तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये जो डब्बा है ना गाइस जिससे हवा आ रही है, ये ना गाइस एसी की हवा है। तो गाइस ये देख लो भाई अभी फिलहाल ना 1:30 बज रहे हैं और मस्त मजे आ रहे हैं गाइस, यहाँ पे पूरी ट्रिनिटी हवा आ रही है गाइस, घर से ज्यादा मजा आ रहा है इसमें। और गाइस ये देख लो भाई मिट्टी का प्रेशर भाई पूरी ना गाइस लकड़ी टेढ़ी हो गई, ऐसे लग रहा है हमारे ऊपर आके गिरे। ये देख लो गाइस भाई जिसने भी बरीड लाइव चैलेंज किया है ना गाइस, उसने भाई ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ साथ में रखा है। अगर ऑक्सीजन रखा नहीं है ना गाइस, जैसे हमने पाइप वगैरह छोड़ रखे है ना, हमने ना भाई और ज्यादा इसको मॉडिफाई किया है गाइस, ये बोल सकते हैं कि हमने भाई अंडरग्राउंड छुट्टी मनाने आए हैं। मतलब ये देख लो गाइस छोटा सा रूम है, अगर मिट्टी आती है ना तो हमने वैक्यूम क्लीनर भी रख रखा है, छोटे वाला स्पीकर भी मंगा लिया है ना, तो चलाते हैं इसको नाचते। मतलब इसको देख के ना इतना नेगेटिव वाइब आ रही है, इतनी ज्यादा नेगेटिव, मतलब
कि कोई बेवकूफ होगा। गाइस अभी मैं खाना ऑर्डर करूंगा, एड्रेस में यहीं का डालूंगा। और भाई जो डिलीवरी बॉय आएगा ना, बाहर में भाई पाइप जा रखा है, उस पाइप का एड्रेस दे दूंगा भाई। पाइप के अंदर से गाइस खाना छोड़ देगा भाई। मस्त प्लान गाइस, ऐसा खाएंगे जिससे एनर्जी ज्यादा है और पेट में जगह कम बने। पानी भी नहीं पीनी ज्यादा, पानी पीने से टॉयलेट आएगी। बात तो सही है, टॉयलेट के लिए तो बोतल मंगा लेंगे ना, ऊपर से बोतल फेंक देंगे ऊपर साइड। करेंगे कैसे, पानी दे रहे नहीं तू भाई को। भाई पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, जल्दी पानी, पानी ले, पानी प्यासे है भाई। ओ पानी आ गया गाइस, फाइनली पानी पी रहे हैं गाइस। हमने टारगेट रखा है कि पानी वानी सब कम पीना है। तो गाइस दो घुट के रहे, दो घुट तो नहीं है, थोड़ी एक बोतल तो पीऊंगा। अरे बाहर निकलेगा फिर देखना, पर एक दो तू फोन आ गया। दो घुट से ज्यादा पीना नहीं हमें। मच मच लेटर गाइस, हमने भाई बड़े बड़े बोर हो गए, फोन भी चला लिया हमने, पानी भी पी लिया, नाच भी लिया हमने, गाने भी सुन लिए गाइस, सारी चीजों से बोर हो गए। हम मन कर रहा है गाइस बाहर घूमने का, बाहर जा नहीं सकते। तो गाइस देखो कितना खराब मौसम हो गया, आंधी धूल भरी आंधी आ गई और बारिश का मौसम हो रहा है। अब इसको ढकना पड़ेगा नहीं तो पानी अंदर जा सकता है भाई। कहते हैं जब आप नेचर को चैलेंज करते हैं तो फिर नेचर भी अपना रिवेंज वक्त पे और वक्त रहते ले लेती है। बस वही हाल है भाई। पैसा भी देख रहा तूफान के साथ बारिश, पैसा भी देख रहा तूफान के साथ बारिश, ये ब्याज ही होनी थी भाई। ये देखो भाई साहब, चक्रवाती तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तूफान से तबाही कितनी भीषण है ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाइस बाहर तो भाई तूफान आ गया और सब पानी। क्या तो ये लड़का ऐसी बात करता है, ये ऐसी बात करने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। डर लग रहा है कभी चैलेंज कैंसिल ना हो जाए। ये देखो भाई पानी गिरने लग गया भाई यहाँ से। गाइस लाइट भी गई। गाइस ये चैलेंज भाई खतरनाक होता जा रहा है। पानी भरेगा साइड में, इसको देख के डर लग रहा है, निकलना पड़ जाएगा अभी। वो आ गया बंदा कर ओ भाई, जल 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 इसको हटा दे, इसको हटा दे। ओ भैया ओ फोन, ओए कैमरा मेमरा सब उठा। गाइस सीन हो गया भाई, भाई ओए निकाल लो। देखो भाई पैसा भी देख रहा तूफान के साथ बारिश, ये भी आज ही होनी थी भाई। ये देखो भाई बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं भाई, और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अपनी राय भी बताइए कमेंट सेक्शन में। देखो भाई मेरे हाथ के सामने है, देखो तूफान के साथ बारिश, कुछ तो परेशान हो रहे हैं और चार लोगों को परेशान कर। जल्दी से तेज बारिश आ जाएगी, जबरदस्त बारिश शुरू होगी आंधी के साथ, बुरा हाल सबका भाई, कहीं चैलेंज बीच में ना छोड़ना पड़े। मतलब गाइस ओले पर मौत दरवाजे पे है, कह रहे कि चैलेंज ना छोड़ना पड़े। क्या बोलो क्या आवाज ओले पर रन होते हैं। ये देखो गाइस ओले, ओ भाई बर्फ गिरने लगी। देखो गाइस आज ही खराब होना था ये मौसम भी। ओ क्या भाई सारा, वो देखो कितना पानी। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एडमिट है गाइस, कल रात से सामने भाई अजय है फाइनली। और जिस दिन गाइस चैलेंज किया था ना उससे अगला दिन हो गया है, 9 बज गए हैं, बच गए गाइस। अजय बच गया था भाई, अजय ने सांस रोक ली थी और मेरे मुंह में गाइस पानी चला गया था, सबने मिलकर निकाल लिया हमें। अजय की मम्मी भी आई हुई है गाइस, गाइस मामा भी आए हुए हैं। मम्मी कह रही है पहले ही मना किया था मैंने गाइस, एक गलती कर दी मम्मी गाइस, जिस दिन रोने लगी थी ना ये चैलेंज सुन के, नहीं करना था गाइस उस दिन। कल से लेके अभी तक ना भाई हॉस्पिटल में ही है, तो अभी यहीं रुकेंगे 3-4 दिन। सबसे बड़ी गलती कर दी, जो मम्मी की बात नहीं मानी गाइस, जो भी देख रहा है मम्मी की बात माना करो गाइस, मम्मी की बात माननी चाहिए थी। सबसे भाई मम्मी की सारी बात मानेंगे, ऐसे ऐसे सारी बात मानेंगे। ये देख लो गाइस अजय भाई सोच में पड़ गया, ये देख लो गाइस 24 आवर्स चैलेंज करना था, बरीड अलाइव 24 आवर्स इन हॉस्पिटल हो गया। गाइस हमारा भाई एक दिन पहले प्लान था कि बरीड अलाइव चैलेंज करेंगे, पर गाइस उस दिन भाई बारिश हो गई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया था। जो दिन बिल्कुल सही लगा ना धूप वाला दिन था, उस दिन भी भाई बारिश होगी, और गाइस सिर्फ 20 मिनट के लिए बारिश हुई, पूरा तहस नहस हो गया गाइस। ये देख लो गाइस चाचा मिलने आया, चाचा मिलने आया, अंदर इलेक्ट्रिक वायर्स थी, शॉक लग सकता था। ये देख लो गाइस गाइस जो हमारे साथ हो गया ना भाई, ये किसी के साथ भी नहीं हुआ,
बादल आए एकदम से, चक्रवाती तूफान आने के साथ साथ बारिश आई है। बाकी गाइस फिल्म में करूंगा एडिटिंग, तो गाइस अभी हॉस्पिटल में बैठ के एडिटिंग करेंगे, फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। यही था आज की वीडियो में, सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय। इस बंदे ने अपना कमेंट सेक्शन पूरा बंद कर रखा है, तुम पता है बहुत लोग इसको बहुत कुछ सुना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देख के यही लग रहा है कि बेवकूफ़ी किस चरम सीमा पे है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इनको एक्चुअली में नहीं पता है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ये कर सकता है उनकी ज़िंदगी पे। उनकी मम्मी खड़ी है साइड में और बोल रहा है कि मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं मानी फिर उस टाइम बात है। नॉनसेंस है भाई, सिर्फ व्यूज कमाने के लिए, लाइक्स कमाने के लिए, थोड़ा फेम कमाने के लिए कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी बकवास डाल देते हैं, और फिर अपने आप को एज इनोसेंट, वो इनोसेंस वाली म्यूजिक सुन के ना मुझे और गुस्सा आ रहा था कि मतलब किस सेंस में लगाई है। जिनको नहीं पता कमल के बारे में वो ऐसे ही बकवास करेंगे, क्योंकि इन लोगों को क्या है, इन्हें तो व्यूज कमाने हैं। बट अगर आप अगर आप नेचर को चैलेंज करोगे, कुछ भी करो, कैसे भी कर लो, आपको वो करना पड़ेगा। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आई होप कि आपको ये वीडियो देख करके थोड़ी सीख मिली हो कि कभी भी कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे आपको या आपके आसपास वालों को तकलीफ हो, और नेवर चैलेंज अल्लाह सुभान व तआला। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगी बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।